एंटी रोटेशन लग जो होता है ये बेयरिंग पीस में एक लॉक टाइप होता है, इसमें ये फंस जाता है ताकि हमारा ऑपरेटिंग एंगल फ्री ना हो सके। जैसे कोई जानवर आया वो अगर खड़ा है, वो अगर मान लीजिए टकरा गया इससे, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एंगल ऊपर ना उठ सके, ऊपर ना, जानवर आया वो भैया बच गया, वो हट गया, लेकिन ऑपरेटिंग एंगल उसको लग गया, ये हमारा लग गया, ये हमारा उठ गया, हमारा लॉक लिफ्टर को उठा देगा। इसके साथ हमारा ये होता है टॉगल, और टॉगल के साथ हमारा कनेक्ट होता है लॉक लिफ्टर, जो कि हमारा नक्कल लॉक को जो उठा देता है। ये हमारा लॉक है, नक्कल लॉक, ये जब तक हमारा गिरा हुआ है तब तक हमारी नक्कल बंद है, ठीक है। लॉक लिफ्टर जब ऊपर हो जाएगा तो नक्कल थ्रोवर नक्कल को हमारी बाहर निकाल देगा, और नक्कल हमारी नक्कल पिन के साथ कनेक्ट होती है। जब गाड़ी हमारी जो है, इन केस गाड़ी हमारी चल रही है, ट्रेन डिसकपल हो जाए, और अगर उसमें नक्कल पिन ना मौजूद हो, तो हमारा नक्कल हमारा नीचे गिर जाएगा ब्लॉक सेक्शन में, हो सकता है कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए अगर वो अगर ट्रैक पर आ जाए तो, ठीक है, अन्यथा गाड़ी हमारी प्रॉपर चलेगी। लेकिन जब भी आप GDR बनाएं तो इस चीज़ को आप सुनिश्चित करें कि हमारी जो है गाड़ी में नक्कल पिन है कि नहीं। अगर एक भी नक्कल पिन नहीं है पूरे वैगन में तो भी गाड़ी चलेगी, लेकिन वो संरक्षा की दृष्टि से एकदम हानिकारक है, क्योंकि अगर इन केस गाड़ी अगर डिसकपल हुई तो पूरा नक्कल बाहर गिर जाएगा, फजीहत होगी फालतू की। ये पूरा फेस था, ये पूरा अंदर का शैंक है, शैंक के बीच में एक होल होता है, उसमें नक्कल पिन योक पिन फंसी होती है, योक पिन हमारी हेडलेस होती है, हेडलेस होने की वजह से उसको जो है कि वो किसी का सपोर्ट चाहिए, तो ये जो है योक पिन हमारी योक पिन सपोर्टिंग प्लेट से है, योक पिन सपोर्टिंग प्लेट योक पिन का सपोर्ट करती है, और शैंक हमारा योक पिन से ही कनेक्ट होता है, तो ये योक पिन हमारी पूरी शैंक पूरी CBC बॉडी को रोके रखती है, ठीक है। और अगर जो है ना योक प्लेट गिर जाए, जो कि हमारा हिरन गांव वाला हुआ था, उसमें योक प्लेट हमारी टूट के गिर गई थी, तो योक पिन जो कि हमारी हेडलेस थी वो हमारी टूट के नीचे गिर गई और CBC बॉडी पूरी बाहर आ गई थी, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके ऊपर